विवेक भारद्वाज भारत सरकार में अमित शाह जो गृहमंत्री हैं देश के उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो हमारे गांव का नाम दिल्ली तक और पूरे भारत में जो है वो डंका बजा रहे हैं। मैं उनसे मिला, मैंने कहा जब कभी परिचय दिया करो। माला पहना करके इनका स्वागत करेंगे उनके पिताजी का। मुनि बटापुर के इस पुस्तकालय के प्रांगण में आज हम सब लोग उपस्थित हैं। गांव की मातृशक्ति, गांव के नौजवान साथी, बुजुर्ग और सम्मानित रिश्तेदार, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। जय हिंद साथियों, आज बड़े ही हर्ष का दिन है और बड़े ही हर्ष का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 20 दिसंबर 2020 को गांव मूडी बकापुर के सचिवालय के प्रांगण में गांव के तमाम सब लोगों के द्वारा निशुल्क आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण किया गया और इस निर्माण होने के उपरांत जो गांव के बच्चों के द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई, आज इस लाइब्रेरी में पढ़ करके लगभग 1.5 दर्जन बच्चे हमारे गांव के सरकारी नौकरियों पर लगे हैं। एक बार उन सभी बच्चों को और उन अभिभावकों के लिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस दिन इस लाइब्रेरी का उद्घाटन था, मुझे बखूबी याद है कि जब संतोष कुमार जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी और एसडीएम सदर यहाँ आए तो मुझे लग रहा था कि एक हीरा हमारे गांव में भी है और उस हीरे को एसएसपी के साथ खड़ा कर करके मैंने इस लाइब्रेरी का उद्घाटन रिंकू के हाथों से कराया था। आज वही रिंकू ने सीजीएल की परीक्षा उत्तीर्ण करके ओबीसी कोटे को भी पछाड़ते हुए जनरल में हाईएस्ट रैंक में ला करके मूडी बकापुर में पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में नौकरी प्राप्त की है जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए हैं। ऐसे करेंगे ताकि जो हमारे गांव के अन्य साथी पढ़ने वाले हैं वो बच्चे ये प्रेरणा ले सके कि जब रिंकू सीजीएल की परीक्षा और गरीबी आर्थिक तंगी से जूझ करके आगे बढ़ सकता है तो जो हमारे गांव के संप्रांत लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके बच्चे तो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को, बेटियों को आगे लेकर के आना चाहिए ताकि ये गांव की तस्वीर बदल सके और गाँव के लोग जब भिन्न भिन्न जगह जाकर के नौकरियों पर तैनात होंगे तो जब पता करते हैं कि भाई इंस्पेक्टर कहाँ के हैं, सिपाही कहाँ के हैं या डायरेक्टर कहाँ के हैं, तो तब आपके गांव का नाम आया करेगा कि मूडी बकापुर के हैं। तो इससे आपका गांव का प्रकाश पूरे देश में फैलेगा। तो आज रिंकू की ज्वाइनिंग है और रिंकू के कार्यक्रम, रिंकू को यहाँ से हम लोग बड़े स्वागत के साथ, सम्मान के साथ गाँव के बाहर तक लेकर के चलेंगे और रिंकू ने इस लाइब्रेरी में पढ़ा भी है और गाँव के बच्चों को पढ़ाया भी है। तो वाकई रिंकू को जब मैंने शुरू में देखा और गांव के बच्चों ने बताया कि रिंकू दिल्ली में रहकर के तैयारी कर रहा है तो मुझे भी लगा कि रिंकू एक दिन निश्चित कुछ ना कुछ बड़ी सफलताओं पे पहुंचेगा। लेकिन रिंकू ने सीजीएल की परीक्षा पास की, इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी पाई, लेकिन उसका जो जज्बा है वो जज्बा यहाँ नहीं रुका। उसका जज्बा जब उसको मैंने उसको बधाई देने के लिए फोन किया तो उसने कहा कि भैया अभी सीजीएल की परीक्षा नहीं, अभी मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है। बाहर दो लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब और दो मुंडी। रिंकू का स्वागत किया, रिंकू के माता पिता का स्वागत किया, हम सब लोगों को बड़ा अच्छा फील हुआ। ए माता जी हम सब लोगों ने आज एक झोपड़ी में निवास करने वाला बच्चा
इंस्पेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, तो वो किसी पैसे के बल पर नहीं बना, वो किस पे बना? मेहनत किसने की? मेहनत किसने की? मजबूरी करके की, पढ़ाई में। तो बेटा जितने भी आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम लोगों को पढ़ाई में मेहनत करनी है। काहे में करनी है? पढ़ाई में। तो मैं ये चाहता हूं, और ये गांव के जितने भी बुजुर्ग और रिश्तेदार यहां बैठे हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि गांव के तमाम नए लड़के नई नई नौकरियों पे जाएं, गांव में मजदूरी का काम छोड़ करके, गांव से बाहर निकल करके आप लोग व्यापार करें, नौकरियों पे जाएं, और वहां जाकर के नौकरी करने के साथ साथ समाज और देश की सेवा के साथ साथ अपने गांव का भी विकास हम लोगों को करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों जो हमारे भैया और भाभी बैठे हैं, रिंकू के जो माता पिता हैं, उन्होंने जीवन भर मजदूरी की। क्या की? मजदूरी। और मजदूरी शब्द का मतलब क्या है जानते हो? मजदूरी शब्द का मतलब क्या है? मजदूरी शब्द का मतलब है मजे से दूरी। यानी कि मजदूरी करने वाला व्यक्ति कभी भी आनंद में नहीं रहता, सुख में नहीं रहता। वो हमेशा ये चिंता रहती है कि आज जो कमाया है वो शाम तक खर्च हो जाएगा, और जो कल सुबह आएगी वो कैसे हम लोग व्यतीत करेंगे। लेकिन उन तमाम सब चीजों की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को आज रिंकू इंस्पेक्टर बना है। तो उनका एक दूसरा भाई जो है वकालत गाजियाबाद में वकील है, हरीश, और एक भाई जो है राकेश जो है एक प्रिंटिंग की बड़ी कंपनी में नौकरी करता, मेडिसिन कंपनी में, और चौथा क्या करता है? चौथा जो है मोटरसाइकिल यानी कि बाइक का उसकी दुकान है। तो चारों बच्चे आर्थिक रूप से जो है समृद्धता की तरफ हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों को अभी हमारे कई बच्चे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और गन्ना सुपरवाइजर बने गांव के, बने नहीं है? और आज वो सारे बच्चे जितने भी तुम लोग यहाँ मजदूरी करते हो, हमारे माँ बाप हमारे चाचा ताऊ मजदूरी करते हैं, वो सब लोग मजे से दूर हैं। जी गुरु जी, मास्टर जी आए थे अभी, कुकू मास्टर जी। हाँ गुरु जी, ऐसा ही है, मजे से दूरी है नहीं है? तो जितने भी बच्चे नौकरियों पे लगे हैं, वो सब लोग आनंद में है, मजे में है। ये लाइब्रेरी इसलिए बनाई थी कि यहाँ बैठ के पढ़े, और आज उसका परिणाम आने लगा है। तो जब ये पढ़ लेंगे, नौकरियों पर जाएंगे, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएंगे। अन्यथा भैया मजदूरी करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। मजदूरी में भी मजदूर चोरी करते हैं, फिर तुम ये कहोगे कि भैया काम नहीं करते। तो इसलिए मजदूरी से दूर रख के हम लोगों को गांव का अगर विकास वाकई चाहते हैं, भाई गांव वाकई आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तो वो बाहर निकलने पे ही होगा। तो इसलिए हम सब लोगों को ये प्रयास करना है कि हम सब लोग अपने बच्चों को चाहे एक वक्त का खाना ना मिले, दो वक्त हमें कपड़े पहनने को ना मिले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो हमारे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। मैं अभी जरेनपुर गांव का जिक्र करता हूं, गौतम बुद्ध नगर का गांव है। उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ करके 6 MBBS MS MD डॉक्टर हैं। और जब मैं हापुड़ गया, माफी चाहूंगा, जब मैं मेरठ गया मैं अपने इलाज के लिए, तो मुझे पता चला कि 3 डॉक्टर जरेनपुर के हैं। तो उन्हें पता चला कि प्रवीण भारतीय यहाँ इलाज कराने आए, तीनों के तीनों मेरे पास आए, और मेरी इतनी सेवा उन लोगों ने की शायद घर के लोग भी ना करते। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता कि मेरा रिश्तेदार है, मेरे गांव का है। जब अभी हमारे भैया सुभाष का लड़का वसब अग्निवीर में लगा है, अभी उसकी ट्रेनिंग गोवा में चल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वो बालक नौकरी पे ना जाता तो शायद गोवा के भी आनंद ना लेता। मानोगे या नहीं? आज वो गोवा में ट्रेनिंग कर रहा है, गोवा घूमेगा, गोवा राज्य को देखेगा, और ट्रेनिंग करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होगी तो वो भिन्न भिन्न राज्यों में जाएगा, भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाएगा। तो उसे घूमने का अवसर मिलेगा, अपने माँ बापों को घुमाने का अवसर मिलेगा,
ताकि जिन माँ बापों ने हमेशा अपने आप को अपनी व्यवस्थाओं को दूर रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया, आज वाकई वो सब माँ बाप, मैं तमाम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे गांव के बच्चे सरकारी नौकरियों पे हैं, मैं तमाम सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजवाना चाहता हूँ। आगामी प्रोग्राम में उन तमाम अभिभावकों का आज रिंकू ज्वाइनिंग कर रहा मसब, और हमारे गांव में पहला एक ऐसा बच्चा है जिसने डायरेक्ट इंस्पेक्टर की कुर्सी पे जो है तैनाती ली है। अगली बार आज इनका स्वागत हुआ है, अगली बार तो 1.5-2 दर्जन हमारे गांव के बच्चे नौकरी लगे। हमारी प्लानिंग यह है कि उन बच्चों को बुला करके या उन बच्चों के माँ बापों को बुला करके इस तरीके से मंच सजा करके और देश के प्रदेश के बड़े अधिकारियों को बुला करके उनके हाथों से पूरे गांव के सम्मुख और बाहर के लोगों को भी बुला करके उनका एक बड़ा विशाल सम्मान समारोह करें, ताकि इन लोगों की जो मेहनत है उनको एक पल खुशी ये मिल सके कि हमने जो त्याग किया, जो कष्ट कमाई करके इन बच्चों को पढ़ाया, वो आज बच्चे हमारे सफल हो गए। तो मैं आगामी कार्यक्रम की हम लोग रूपरेखा बनाएंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भाई सिकंदर शेफी हैं। सिकंदर मेरा सहपाठी है, ये कोई आड़ा नहीं आती, जब व्यक्ति अगर चाहता है कि मुझे ये करना है तो करके रहता है। तो साथियों, तो रिंकू ने अपने आप को स्थापित कर दिया कि कहीं कोई दिव्यांगता विकलांगता नहीं होती। वो आज, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये तीन भाई और हैं इसके अलावा, उन तीनों से बेहतर काम इसने किया है, हा? उन तीनों से बेहतर इसने किया, यानी कि हम सब लोगों से बेहतर काम किया है।